are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। कैसे पॉलीगन पर वर्चुअल जी शॉक NFTs लॉन्च करने जा रहे हैं। G20 पावर्स मिल के क्रिप्टोकरेंसी रेगुलेशन का फ्यूचर शेप कर रहे हैं। कोरिया का सेकंड लार्जेस्ट KEB हाना बैंक बेटगो के साथ टीम अप करता है। इथेरियम का सेंट्रलाइजेशन प्रॉब्लम, वाइटलिक ब्यूटोरिन का सोल्यूशन नोड सेंट्रलाइजेशन के लिए। ऑसी लॉ मेकर्स ने प्रपोज क्रिप्टो बिल को रिजेक्ट किया। क्रिप्टो कैसिनो स्टेक $40 million लूज करता है अनऑथराइज ट्रांसफर। टेथर नेशंस को सरपास करता है $72.5 billion US ट्रेजरी होल्डिंग्स। ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर्स ग्लोबल क्रिप्टोज पॉलिसी रोड मैप डिलीवर करने जा रहे हैं। मीका गो फाउंडर प्रपोज करता है फ्यूचर प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन सोलाना फोर्क पर। साउथ कोरिया एक लॉ प्रपोजल तैयार करता है नॉर्थ कोरिया के क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक और फ्रीज करने के। रिसर्चर्स डेवलप करते हैं LN मेश जिससे ऑफलाइन बिटकॉइंस पेमेंट इनेबल होती है लाइटनिंग नेटवर्क के थ्रू। ट्रिनोज लैब्स खोलती है थर्ड कोहोर्ट $100 million एक्सेलरेटर्स प्रोग्राम के लिए। कैसियो ने बताया है कि वे इथेरियम स्केलिंग डेवलपर पॉलीगन लैब्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा है एक वर्चुअल जी शॉक वॉच लॉन्च करने के लिए। पॉलीगन ब्लॉकचेन पर प्रोजेक्ट NFT बेस्ड जी शॉक क्रिएटर्स पास के साथ शुरू होगा जिसमें यूजर्स को डिजाइन और अपीयरेंस पर वोट करने के लिए इनवाइट किया जाएगा। क्रिप्टोकरेंसीज के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए G20 नेशंस इंडिया के प्रेसिडेंसी के नीचे ग्लोबल फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट पर बातचीत शुरू की है क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेट करने के लिए। फोरकास्ट के हिसाब से साउथ कोरिया का KEB हाना बैंक एक बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने डिजिटल एसेट कस्टडी सर्विसेज ऑफर करने के प्लान्स अनवील किए हैं क्रिप्टो एक्सचेंज बेटगो के साथ 2024 का लैटर हाफ में। वाइटलिक ब्यूटोरिन के हिसाब से सबसे बड़ी ऑल्टकॉइंस प्रोजेक्ट इथेरियम के को फाउंडर्स नोड्स का सेंट्रलाइजेशन इथेरियम नेटवर्क के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। ब्यूटोरिन अर्ज करता है कि नोड्स का ऑपरेशन सस्ता और आसान होना चाहिए इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। सेनेटर एंड्रयू ब्रैग द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया क्रिप्टोकरेंसी बिल को फाइनली फीडबैक मिला लेकिन लेजिस्लेटर्स के उम्मीद के टाइप का नहीं। ऑस्ट्रेलिया के सेनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस ने अपने थॉट शेयर किए प्रपोज डिजिटल एसेट्स बिल 2023 पर रिकमेंड करते हुए कि बिल सेनेट द्वारा पास ना किया जाए और सजेस्ट करते हुए कि गवर्नमेंट डिजिटल एसेट्स मार्केट रेगुलेशंस पर फर्दर रिसर्च करे। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के हिसाब से हाईली पॉपुलर क्रिप्टो बेटिंग प्लेटफॉर्म स्टेक एक मेजर एक्सप्लॉइट के शिकार बना है $40 million फंड्स लूज करते हुए। क्रिप्टो कैसिनो को रैपिड ड्रेक बैक करता है और क्रिप्टो कम्युनिटी से कई लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि अटैक नॉर्थ कोरिया से लिंक्ड हो सकता है। पावलो और डोइनो CTO ऑफ टेथर के रीसेंट रिविलेशन के हिसाब से USDT स्टेबल कॉइन का इश्यूअर्स टेथर ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप में कमांडिंग पोजिशन सिक्योर किया है। FSB ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर और ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंसी IMF इस वीकेंड के G20 समिट में पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं। पेपर में पॉलिसी फ्रेमवर्क्स का रोड मैप इंक्लूड किया है क्रिप्टो के लिए जिसमें ग्लोबल कोऑर्डिनेशन कॉर्पोरेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग है।